नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यूपी, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, असम के बाद अब बिहार में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच राज्य में मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने आज बंद बुलाया है। सुबह से ही आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और ट्रेनों को रोका जा रहा है। बंद समर्थकों ने हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, NH22 को भगवानपुर में बंद करा दिया है। आरजेडी कार्यकर्ता भैंसों के साथ नेशनल हाईवे पर आ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने भैंसों के ऊपर पोस्टर टांग रखे हैं, जिस पर लिखा है, काला कानून नहीं चलेगा, मैं भारतीय हूँ। नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर टायर भी जला दिए गए हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने खुद को गांधीवादी बताते हुए बंद के शांतिपूर्ण रहने का दावा किया है। उन्होंने प्रशासन को चेताया है कि हमें शांतिपूर्ण विरोध करना है, फिर भी पुलिस ने अगर बल प्रयोग किया या आरजेडी समर्थकों को नुकसान पहुंचाया तो अंजाम बुरा होगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है, सत्ता में बैठे लोगों को तय करना है कि वे कैसे प्रबंध करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून असंवैधानिक और मानवता के खिलाफ है, इसने भारतीय जनता पार्टी के विभाजनकारी चरित्र को उजागर किया है। असम की तर्ज पर पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लागू करने की तैयारी कर रही केंद्र सरकार में भाजपा के सहयोगी दल भी इससे सहमत नहीं है। कई मुद्दों पर केंद्र सरकार से अलग रख दिया चुकी जदयू भी शुक्रवार को NRC का विरोध करने वालों की सूची में शामिल होगी। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह अपने यहाँ NRC को लागू नहीं कराएंगे। नीतीश ने यहाँ मीडिया से कहा कि काहे का NRC, बिल्कुल लागू नहीं होगा। उन्होंने यह बात इंडिया रोड कांग्रेस के 80वें वार्षिक सत्र से बाहर निकलने के बाद अपने वाहन की तरफ जाते समय कही। नीतीश कुमार NDA के पहले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने पूरे देश में तनाव और प्रदर्शनों का कारण बन रही NRC को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। राजधानी पटना में विकासशील इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडों को तोड़ दिया। आइए आपको बताते हैं इस समय विरोध से राज्य में हालात कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहां पुलिस ने भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को शुक्रवार देर रात हिरासत में ले लिया। इससे पहले चंद्रशेखर ने खुद ट्वीट कर कहा था कि दिल्ली गेट से गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा कर दिया जाए तो वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर शुक्रवार दोपहर दिल्ली के जामा मस्जिद में हुए प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे। हिरासत में लिए जाने से पहले चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, अगर दिल्ली पुलिस बातचीत करना चाहती है तो पहले दिल्ली गेट से गिरफ्तार किए हमारे लोगों को रिहा करे। एक और ट्वीट में चंद्रशेखर ने लिखा था कि सभी लोगों को रिहा कर दिया जाए, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। साथियों, संघर्ष करते रहना और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट रहना, जय भीम जय संविधान। इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने लिखा कि पुलिस जामा मस्जिद के सामने गली में अपने घरों से आगे शांतिपूर्ण तरीके से खड़े लोगों को लाठीचार्ज और केस दर्ज कराने का डर दिखाकर उकसा रही है। यह पुलिस की आंदोलन को बदनाम करने की सोची समझी साजिश लग रही है। सभी लोगों को रिहा कर दिया जाए, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। साथियों, संघर्ष करते रहना और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट रहना। आपको बता दें कि शुक्रवार को हुए विरोध प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कहा, जो लोग हिंसा और आगजनी में शामिल हो गए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रदर्शनकारियों को हटाने के दौरान आगजनी हुई। लोगों ने सुभाष मार्ग दरियागंज में खड़ी एक निजी कार में आग लगा दी। वरिष्ठ अधिकारियों समेत कुछ पुलिसकर्मी पर पथराव भी किए गए, जिसमें वे घायल हो गए। वहीं अब सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में SSCA गठन का मकसद भविष्य में नागरिकता कानून के खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों को तय करना है। फोरम में 6 दल सिक्किम डेमोक्रेसी फ्रंट, हमरो सिक्किम पार्टी, सिक्किम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी, सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी और सिक्किम सब्जेक्ट कमेटी शामिल है। फोरम की मांग है कि जल्द से जल्द सिक्किम वासियों के अधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य में इनर लाइन परमिट जारी किया जाए। फोरम को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में राज्य के नागरिक भी नागरिकता कानून का विरोध करने के लिए उनके साथ आएंगे।
वहीं भागलपुर में आरजेडी कार्यकर्ता करीब 1.5 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने सड़कों पर चल रहे वाहनों में तोड़फोड़ भी की। वे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। भागलपुर में विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ के बीच पुलिस के जवान सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे। आरजेडी के कार्यकर्ता जबरन दुकानें बंद करा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि बंद शांतिपूर्ण होगा, लेकिन इसके बावजूद बंद समर्थकों ने तोड़फोड़ की। वहीं अब दरभंगा में भी आरजेडी कार्यकर्ता भीषण ठंड के बावजूद कपड़े उतार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सड़कों पर टायर जलाए हैं और नागरिकता संशोधन के खिलाफ नारेबाजी की है। इन लोगों ने अपने हाथों में पोस्टर लिया हुआ था जिस पर लिखा था, नीतीश कुमार तोबा तोबा, ये कार्यकर्ता हिटलर शाही नहीं चलेगी के नारे भी लगा रहे हैं। वहीं राजधानी पटना में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात है। हालांकि आरजेडी समर्थक हाथों में डंडा लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बस स्टैंड के पास प्रदर्शनकारियों ने कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि CAA और NRC गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता भी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। पटना में विकासशील इंसान पार्टी के वर्कर्स ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस के बैरिकेड को हटा दिया है। वहीं जहानाबाद में भी आरजेडी वर्कर्स ने पटना से गया जाने वाले ट्रेन को रोक दिया है। साथ ही NH 83 पर कई गाड़ियों की हवा निकाल दी। इससे NH पर लंबा जाम लग गया। सड़कों पर आगजनी भी की गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने शहर में दुकानें भी बंद करा रहे हैं। वहीं छपरा में भी आरजेडी वर्कर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां बाजार समिति चौक के पास सड़क को जाम कर दिया गया है। इससे कई गाड़ियां फंस गई हैं। खासकर छपरा पटना और छपरा मुजफ्फरपुर रूट पूरी तरह से बाधित है। उधर आरा में भी बंद का व्यापक असर दिख रहा है। आरा मोहनिया NH 30 पर जगदीशपुर के इसाड़ी मोड़ के पास प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की और इस राजमार्ग को जाम कर दिया। इससे यहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। आपको बता दें कि बिहार प्रशासन ने दावा किया है कि आरजेडी के बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पटना शहर में 50 मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। कारगिल चौक के आसपास धारा 144 लगाई गई है। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि जबरन बंद कराने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा अस्पतालों और अग्निशमन सेवा को सतर्क किया गया है। बिहार पुलिस ने कहा कि बंद के दौरान सभी जिलों के SP को शांति और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। पुलिस ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारी हिंसा करेंगे तो पुलिस उनके साथ सख्ती से निपटेगी। तभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाने की प्रदर्शनकारियों की किसी भी कोशिश को विफल करने में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। आज देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, पूरा देश खतरे में। यह तानाशाही सरकार जिस तरह का काला कानून लाया है, इससे हम लोग उसका पुरजोर राष्ट्रीय जनता दल विरोध करता है। पूरा बिहार बंद है, रेल चक्का जाम है और हम लोग NH को भी जाम किए हैं। जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लिया जाएगा, तब तक हम लोग अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कथित बंद पे नेता प्रतिपक्ष के आह्वान पे आज 21 तारीख का जो बिहार बंदी का है, उसको संपूर्ण रूप से हम लोग पूरे मजबूती के साथ पूरे शहर को चक्का चक्का चौक चौराहे पर जाम करने का काम कर रहे हैं और जन जन तक ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये NRC से क्या नुकसान होना है, NRC से किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, NRC से वैसे लोगों को प्रभाव पड़ेगा जो लैंडलेस लोग हैं, जो जमीन जिनके पास नहीं है, जो गरीब दुर्बा है, जिनके पास घर नहीं है, वैसे लोगों पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा। कर रहे हैं और उस सभी जगहों से रिपोर्ट मंगा रहे हैं और जैसा भी होगा वस्तु स्थिति आपको हम शेयर करेंगे। जो लोग थे अगर NSA गुंडा एक्ट लगेगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी हमने रेलेवेंट सेक्शंस में मुकदमे दर्ज किए हैं जिसमें प्रिवेंटिव भी है और सब्सटेंटिव ऑफेंस भी है। विवेचना हमारी जारी है और हमने विवेचकों की टीम बनाई है, वो टीम अपना परीक्षण कर रही है। ये बताना उचित नहीं होगा कि ये है, लेकिन बाहरी तत्वों का हाथ है इसमें। प्रदर्शनकारियों के हवाले पॉलिटिकल लोग भी थे क्या, इस तरीके की जांच बात आई है? हम सभी एंगल्स की जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कौन उसमें तत्व शामिल थे। उसमें NGOs भी शामिल हो सकते हैं, पॉलिटिकल पर्सनल भी शामिल हो सकते हैं और बाहरी तत्व भी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।